तो फ्रेंड्स, आज मेरे पास है ये अनार। ये नॉर्मल दिवाली वाले अनार है जो आपने दिवाली पे ज़रूर जलाई होगी। पर आपने कभी सोचा है कि ये अनार जो है, इसका शेप हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? ये हमेशा कौन की शेप में क्यों मिलती है हमें? चलो मैं बताता हूँ। क्योंकि इस अनार के अंदर जो फ्यूल भरा जाता है वो एक ही पॉइंट से निकल सके, इसका जो सारा प्रेशर है वो एक ही पॉइंट से निकल सके, इसलिए इसका शेप ऐसा दिया जाता है। इसी की वजह से हमें एक फाउंटेन लाइक इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो यही सोचते वक्त मेरे माइंड में एक और सवाल आया कि अगर हम इसके अंदर प्रेशर रिलीज़ होने के पॉइंट बढ़ा दें तो हमें क्या देखने को मिलता है। तो चलो, यही जानने के लिए हम करेंगे इसके अंदर ड्रिल, 2-3 और छेद करेंगे, फिर इसको जलाएंगे और देखते हैं क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि हम और भी अमेजिंग एक्सपेरिमेंट वाली वीडियोज़ लेके आने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। जितने छेद हमने किए थे उनमें से सब में से फायर निकला और ये अनार जली। पर एक और बात है कि जब ये अनार जलती है तब इसको 15 सेकंड लगते हैं जलने में, पर इस बार ये 4-5 सेकंड में पूरी जल गई। तो गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक कर दें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, और हमारी और भी वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। जल्द लौटेंगे आपके लिए एक नई वीडियो लेके, तब तक देखते रहें जुगाड़ जंक्शन।